सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ ऋषि पाल दूड़ और आज हम पहुँचे हैं गांव करेला में। ये जो करेला है डिस्ट्रिक्ट जींद का आखिरी गांव है, इससे आगे हिसार की सीमा लगती है और यहां पर शिवनाथ बाबा तप रहे हैं जो हर साल तपते हैं और उनके साथ आप देख रहे हो कितने श्रद्धालु भी खड़े हैं उनकी मदद के लिए। ये बाबा जी ने कितने दिन की तपस्या करी है और इनका अगला कार्यक्रम क्या होगा। बाबा जी तो बोलने में असमर्थ हैं क्योंकि अभी वो भक्ति में लीन है, तो श्रद्धालुओं से जानेंगे इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए मेरे साथ। सर देखिए, बाबा जी ने तपस्या शुरू कर ही दी, अभी धुनों को चेतन करते हुए इन मधी धरती को नमन करते हुए ये है इस भक्ति की जो नियम है, साधना है। इस ढंग से बाबा जी शुभ कार्य में लीन होती और बाबा जी आपको बता दें बैठ ही गए हैं, श्रद्धालु उनकी मदद करते हुए श्रद्धालु बाबा जी के गायरा से लेप करते हुए, क्योंकि बहुत तेज अग्नि है अभी कुछ ही देर में देखिए धीरे धीरे जो धुएं हैं काफ़ी अग्नि को तेज करते हुए और कुछों में तो बिल्कुल अग्नि जल ही गई है। हमारे साथ कुछ संत महात्मा भी जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कैसी की जाती है। आदेश महाराज जी, आदेश। सबसे पहले अपना नाम बताओ। सरवणनाथ। कहाँ से हो आप? अलवर। अलवर राजस्थान से। राजस्थान। आपका शुभ नाम जी? श्री राजेंद्र प्रसाद जी। किशोरनाथ जी। बाबा जी ये कितने दिन की तपस्या होती है संतों की? ये पहले नंबर 21 दिन की होती है। 21 दिन की होती है जी। हाँ जी, फिर 41 दिन की कर सकते हैं। अच्छा जी, वही 6 महीने की पूरी तपस्या होती है इसकी। अच्छा, इसके बाद एक जल की भी तपस्या होती है सर्दी में? होती है। अच्छा, ये जल की तपस्या में और इसकी तपस्या में अग्नि में कुछ अलग अलग लाभ होता है या एक ही बात होती है? अलग अलग है। इस अभी बाबा जी बैठे हैं तो ये कई घंटे बैठेंगे? वैसे तो इसका 2 घंटे 2.25 घंटे का नियम रहता है। आपने भी की है राजस्थान में? 2.25 घंटे का नियम होता है। अच्छा, आपने भी करी है महाराज जी? मैंने नहीं करी है। आपने करी है महाराज जी? और आप किस तरह की तपस्या करते हो? नहीं करी है तपस्या, अभी मंदिर में पूजा करते हैं बस। अच्छा, बस मालिक का भजन करते हो आप तो। जैसे सर्दी में तपस्या करते है जल की धारा का, तो उसमें गर्मी कैसे होती है? वो भी कड़ाके की सर्दी होती है, उसी में नहीं होती है? देखिए बाबा जी का कहना है कि इसमें गर्मी नहीं लगती। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे को तो बहुत गर्मी लग रही है, अभी जी निकला जा रहा है, 1 मिनट भी यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। आप देखो पूरी तरह से 9 धुने अग्नि से भरपूर करेला गांव के हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे इस तपस्या की क्या रूपरेखा है। भाई सारा का स्वागत हो देहरादून पे। नमस्कार देहरादून को। आपका शुभ नाम बताओ भाई जी? विकास है। विकास जी, बाबा जी की कई दिन की तपस्या है यहाँ? तपस्या बाबा बैठा था 16 तारीख ने। 16 तारीख ने? हाँ, अरे 15 तारीख ने भंडारा है वो सामान कल का। अच्छा, इसके बाद बाबा जी का अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम बाबा देखो जेठ में तो करे दूने तपस्या। अच्छा, और सर्दियों में करे जलदारा। जलदारा, इस तपस्या का कोई लाभ है? लाभ तो जी गांव की सुख शांति के लिए कर रहा है। गांव की सुख शांति के लिए करते हैं? सेवका की सुख शांति के लिए। क्या नाम भैया? मंजीत है जी। मंजीत सिंह, बहुत बढ़िया नाम है। तो आप बाबा जी की क्या मदद करते हो यहाँ पर? मदद तो यही है, दूने लगाते हैं। अच्छा, और बाबा जी के पूरा दिन यही रहते हैं। कितने दूने ही? 9 दूने की तपस्या करते तो इनकी संख्या कभी बढ़ती है घटती भी है? पहली बार 84 दूनों की थी। 84 दूनों की? हाँ। और अब की बार कम क्यों होगी? आगे ये घटते चले जाते हैं? नहीं घटते नहीं, जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसलिए थोड़ा बाबा जी ने सोचा कि कम की कर लो अब की बार। देखिए भाई, इनका कहना है कि थोड़ी जगह की वजह से दूनों की कमा पेशी करिए, अग्नि तो वही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सारी भाई। दोस्तों ये दिखाई हमने करेला गांव की बाबा जी की तपस्या की रूपरेखा। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं टोरादून के साथ ऋषि पाल करेला से, जय हिंद वंदे मातरम।